वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करते हैं जी, आज का मौजू बड़ा इंटरेस्टिंग है कि फेलियर इज अ ग्रेट टीचर। वैसे तो हम चाहते हैं कि एक के बाद एक कामयाबी ही हमारे सामने आए। कोई भी शख्स नाकाम नहीं होना चाहता, क्योंकि इमोशनली, मेंटली, इवन फिजिकली आप अपने कामों में बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड होते हैं। लेकिन फेलियर इज अ ग्रेट टीचर, आपको कई दफा अपने बारे में बहुत कुछ सिखाता है, पेशेंस लेके आता है आपकी लाइफ में। लेकिन फिर क्या वजह है कि अगर माशरती तौर पर देखा जाए, ये बल्कि एक इंटरनेशनल क्रिकेट कोच पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कोचिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे एक ही प्रॉब्लम नजर आती है कि यहाँ पे पीपल आर वेरी रिस्क अवर्स। वो नाकामी से शदीद नफरत करते हैं, उसको हर कीमत पे अवॉइड करना चाहते हैं। यही वजह है कि इनोवेशन में, आगे रिसर्च करने में हमारे पास इतने एवेन्यूज मौजूद नहीं है। क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ नाकामी को अवॉइड कर रहे हैं, तो एक तरह से आप कामयाबी से भी आंख मचोली खेल रहे हैं। आइए इस पर बात करते हैं। आज हमारे पास जबरदस्त पैनल मौजूद है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी, गजाला खान हमारे साथ हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, स्पिरिचुअल स्पीकर। बहुत शुक्रिया गजाला जी हमारे साथ होने का। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर सना फातिमा, आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। आप माहिर नफ्सियात हैं। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, सफदर अली भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच सफदर फॉर बीइंग हियर। सना, अगर मैं आपसे शुरुआत करूं, नाकामी से हमारी नफ्सियात हमें इतना ज्यादा उलझा क्यों देती है, हम उससे खौफ क्यों खाते हैं? सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है कि नाकामी के साथ जो खौफ आ रहा है, उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं या क्या क्या वजूहात हैं। जब हम नाकामी की बात करते हैं तो हम खौफजदा हो जाते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा आपके जहन में ये बात आई हो कि हम जिस चीज से डरते हैं, हम उस चीज से फिर सीखते नहीं हैं। सही। ये खौफ हमें कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कौन दे रहा है, और उसकी वजह से हमें क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों को हम अवॉइड कर रहे हैं, देख रहे हैं। जैसे कि अभी आपने बात की, जब हम नाकामी से डरते हैं, उस खौफ के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम में से कोई भी वल्नरेबल नहीं होना चाहता, हम में से कोई भी कमज़ोर नहीं दिखना चाहता, हम में से कोई भी दूसरों से पीछे नहीं रहना चाहता, क्योंकि लोग कंपेयर करते हैं। अच्छा, और इसको हम काफी पर्सनल भी ले लेते हैं। लेकिन गजाला जी, जैसे हम ऑफलाइन बात कर रहे थे, एक छोटा बच्चा है, वो कई चीजों को सीखने के लिए पहले अटेम्प्ट करता है, कोई लफ्ज बोलने की कोशिश करता है तो हमें उसका तुतलाना या गलत बोलना भी प्यारा लग रहा होता है। अगर वो चलने की कोशिश करता है और गिरता है तो हम उसको प्यार से समझा रहे होते हैं, अरे बेटा, बल्कि उसकी कोशिश को सराह रहे होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब यही बच्चा बड़ा हो जाता है तो हम उसको डांटते क्यों है जब वो कोई चीज गलत करता है? देखिए, वही वाली बात आ गई ना कि जो बचपन से हमारे साथ हुआ है वही रिफ्लेक्ट हो रहा है वापस। सही। क्योंकि हम लोगों को भी लगता है कि अगर हमने कोई चीज गलत की तो हमें उसके एटीट्यूड क्या मिला, डांट पड़ी। या फिर अगर किसी ने चीज हमें एक दफा सिखाई तो हमने दोबारा उसको करने की कोशिश की तो वो उनमें गुस्सा आ गया कि तुम्हें एक दफा हमें समझ नहीं आती या दो दफा हमें समझ नहीं आती। इवन बहुत ज्यादा मैंने ये एटीट्यूड टीचर्स में भी देखा है, बच्चे आके कंप्लेन करते हैं कि मैथ्स का सबसे ज्यादा इश्यू मैथ्स का आता है। इवन मेरी बेटी भी मुझे आके यही कहती है कि अगर दूसरी से तीसरी दफा कभी मैंने क्वेश्चन किया तो टीचर ने इतनी बुरी तरह डांटा किसी और स्टूडेंट को, उस खौफ से मेरी बच्ची ने भी वो पूछा नहीं। हाँ। पूरी क्लास ने वो सवाल दोबारा नहीं पूछा क्योंकि एक बच्चे को डांट पड़ गई। अब हुआ ये कि जब बच्चे उन्हें अटेम्प्ट करना ही छोड़ दिया और वो सवाल करना ही छोड़ दिया तो वो कंफ्यूजन लाइफ टाइम चली। बिल्कुल। फिर दूसरे टीचर के पास अगर वही बच्चा जाता है और उसको अप्रिशिएट किया जाता है, उसको सॉफ्टली समझाया जाता है, बच्चा फौरन सीख जाता है। अच्छा, और यही आप देखें वजह बनती है कई दफा कई सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट की। यानी अगर आपको एक अच्छा उस्ताद मिल जाए जो आपकी नाकामी को, आपकी नाकामी पर्सनलाइज ना कर दे, आपके सवाल करने को स्नैप ना करे, तो आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में ज्यादा बेहतर डेवलप होता है। लेकिन सफदर, नाकामी को मिसाल के तौर पर, सबसे पहले नाकामी हम यही फेस करते हैं ना कि अगर हमने स्कूल में कोई एग्जाम दिया है तो हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आए, या अगर हमने किसी रेस में, किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किया है तो हम हार गए और दूसरा कोई जीत गया। ये जीत हार का कॉन्सेप्ट, कामयाब और नाकाम का कॉन्सेप्ट हमें अपनी स्कूल लाइफ में मिलता है पहली दफा। आपको लगता है कि अब कई इदारों में ये बात की जा रही है, कई एजुकेशनिस्ट ये बात कर रहे हैं कि जो ग्रेडिंग सिस्टम है, इतना अर्ली एज में मार्क्स मिलना, ए ग्रेड आया या सी ग्रेड आया, इससे हमारी सीखने की सलाहियत सल्ब हो जाती है और इसको बदलने की जरूरत है। आप कैसे देखते हैं इसको? अच्छा, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इसको बदलने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से पहले भी बात हो रही थी कि जो भी ऐसा कोई सोशल इशू होगा, सोशल टॉपिक होगा, उसकी तमाम तक जड़ें जाकर पेरेंटिंग से मिलेंगी। हम जब अक्सर बेशतर मुख्तलिफ लोगों के साथ मिल रहे होते हैं तो जब वो अपनी औलाद का जिक्र करते हैं तो इस तरह से जिक्र कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी पहली पोजीशन उसने हासिल की थी, उसने दूसरी पोजीशन हासिल की थी, वो पहली तीन पोजीशंस में से
वो कोई ना कोई एक पोजीशन पर अपनी औलाद को बराजवान रखते ही रखते हैं। मैंने आज तक कोई ऐसे पेरेंट्स नहीं देखे जो कि ये बात बता रहे हैं मेरा बेटा फेल, मेरी बेटी फेल हो गई। अब ये जो मुसाबकत और मुआवजने वाला जो मामला है, ये हम बच्चों के साथ, लोगों के साथ जो है वो बचपन से ही हो रहा होता है। पेरेंट्स नाकाम नहीं देखना चाहते, पेरेंट्स मुआवजना कर रहे होते हैं, हालांकि बच्चों की जहन साजी में, तबीयत में, मामला में 100 जगहों पर फर्क आ जाता है। जहां तक बात है ग्रेडिंग सिस्टम की, ये इसे थोड़ा सा तब्दील होना चाहिए, ज्यादा नहीं थोड़ा सा तब्दील होना चाहिए, क्योंकि अगर मुकाबले और मुसाबकत की फजा नहीं होगी तो फिर भी हम नहीं पढ़ सकेंगे। बिल्कुल सही, लेकिन मुकाबला हमारी जिंदगियों में किन चीजों के बेसिस पे हो रहा है और कितना जल्दी आ रहा है, ये भी तो सवाल या निशान है। फजाला जी, मैं अक्सर ये सवाल करती हूँ कि अगर आप प्री स्कूल में देखें तो बड़े बड़े इलीट प्री स्कूल्स में दाखिले के लिए आप देखें लंबी लंबी कतारें होती हैं, बहुत अमीर और कबीर खानदान के लोग भी सुबह से जाके उस कतार में खड़े हो जाते हैं या अपनी जगह किसी को खड़ा करते हैं, लेकिन जो जिसका एडमिशन हो रहा है वो 1.5 या 1.75 साल का बच्चा है। आप 2-1.5 साल के बच्चों को किस बेसिस पे एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, जिससे हम कहते हैं एक का एडमिशन कामयाबी से हो गया और दूसरे को रिजेक्ट कर दिया गया, ये रिजेक्शन की बेसिस क्या होती है? अगर इफ यू वांट मी टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ईमानदारी की अगर बात करूंगी तो पहली चीज तो ये कि फिर वो बच्चे को नहीं माँ बाप का स्टेटस देख के दिया जाता है। एब्सोल्युटली, ठीक है, बिल्कुल सही। ये देखा जाता है कि वो कस्टम में, इनकम टैक्स में, ऐसी पोस्ट कितनी बड़ी गाड़ी में आए हैं, एग्जैक्टली कौन से स्कूल गए थे, कोई ऐसी फील्ड में तो नहीं है जहां हमें कुछ मिलने की उम्मीद है। हाँ। क्या कि अगर हमारे स्कूल की बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम आई तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, पानी, बिजली, एनीथिंग, ठीक है। तो वो बच्चे तो क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि 1.5-2 साल के बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सिवाय हंसने के या रोने के आपको कोई एक्सप्रेशन नहीं दे सकता, ना तो उसका एकेडेमिकली कोई अभी इतनी बिल्ड हुई है इंटेलिजेंस के आपको वो पूरी एबीसी सुना देगा। तो बात सारी फिर वहीं आती है, बहुत सारे पेरेंट्स अपना फेलियर जो होता है वो बच्चों में नहीं देखना चाहते, वो बहुत सारी चीजें जो अपनी पर्सनालिटी में लैक करते हैं वो चाहते हैं हमारे बच्चों को मिल जाए, बहुत सारी चीजें जो वो खुद नहीं कर पाए वो चाहते हैं उनकी औलाद करे, इसलिए प्रेशर बचपन से बच्चे पे बिल्डअप होता है। अच्छा, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। डॉक्टर सना, आप क्या कहेंगी कि पहले हम ये ज्यादा बात सुनते थे, अब नहीं मेरे ख्याल में आती इतनी, लेकिन माँ बाप कहते जी मेरा ख्वाब है, मैं डॉक्टर नहीं बन सकी लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी बेटी डॉक्टर बने, मैं इंजीनियर नहीं बन सका लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा बेटा इंजीनियर। तो जो माँ बाप अपने फेलियर को, अपना ऐसा कोई ख्वाब जो पूरा नहीं हुआ, बच्चे पे थोप देते हैं, इसका क्या असर पड़ता है उनकी शख्सियत पे? एक्चुअली जो आपने बात की ना कि ख्वाब जो अपना बच्चे पे थोप देना, हमारे यहाँ पेरेंट्स अपनी सेल्फ वर्थ को एसोसिएट कर लेते हैं बच्चे के साथ, विद बच्चे का अचीवमेंट, बच्चा कितना अचीव कर रहा है उससे माँ बाप की वर्थ उतनी ज्यादा होगी, जिस बच्चे ने पोजीशन ली उसके माँ बाप को उतनी ज्यादा वाहवाह मिलेगी, उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, 4 लोगों में नाम होगा, 10 लोग जो है वो घर आके मुबारकबाद देंगे, दूर से लोग देख के उनको अप्रिशिएट करेंगे, बच्चा कहीं गायब हो जाता है। सही। उस सब में बच्चा कहीं नहीं है। सही। अब उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा, मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाती भी हूँ और जब मैं देखती हूँ खासतौर पर उन बच्चों को जब मैं पढ़ा रही होती हूँ जो नए नए यूनिवर्सिटी में आते हैं, अब यकीन करें बच्चे पूछने से डरते हैं, बच्चों को सवाल पूछना नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उनको लगता है मैं सवाल पूछूंगा कोई स्टूपिड सवाल तो नहीं पूछ लूंगा, कोई सिली सवाल तो नहीं पूछ लूंगा, और मैं सवाल पूछूंगा ना तो सब लोग हंसेंगे। अच्छा, और सबसे सेफ स्पेस आपकी घर होना चाहिए, जहां पे आप कोई गलती करें तो माँ बाप आपको सिखाएं, या जैसे हम कहते हैं ना कि घर में गलती करके ही आप होम ग्राउंड पे पहले सीखते हैं। एग्जैक्टली, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बच्चों को वो सेफ स्पेस घरों में ही नहीं दी जाती। एग्जैक्टली, अगर आप मिसाल के तौर पर कोई बच्चा कोई गलती कर दे, आपको बच्ची कुछ खाना पकाने की कोशिश करी हो, वो रेसिपी डिजास्टर है, 5 लोगों के बीच में ये बात दोहराई जाती है, वो किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो आप दोहराते हैं, आप उसकी बात को एक मजाक बना लेते हैं कि पता है मैंने कल इसको ये दही लाने को कहा था, इसको तो दही और दूध का फर्क नहीं पता। आप जिंदगी को पैसे ताना बना देते हैं उसकी, आप उसकी जिंदगी को ताना बना देते हैं उस चीज को लेकर, वो कॉन्स्टेंटली एक ताने के अंडर प्रेशर या अंडर अम्ब्रेला जी रहा होता है, और फिर उसके बाद वो सारी चीज ना हर जगह पे रिफ्लेक्ट करने लगती है, हर जगह पे वो जनरलाइज कर देता है वो बच्चा उसको। बिल्कुल, और उसकी वजह से वो जो खौफ डेवलप होता है ना, लोग हंसेंगे, सबके सामने बेइज्जती होगी, 4 लोग बातें करेंगे, कोई मुझे पसंद नहीं करेगा, अम्मी अब्बू को तो मैं वैसे ही नहीं पसंद हूं, तो एक और बात ऐड हो जाएगी,
मैं जब यूनिवर्सिटी में बच्चों अच्छा, को और एक बच्चे के साथ ये रवैया हो रहा है डॉक्टर सना, तो तीन बाकी वैसे ही सही हो जाते हैं। कभी कभार उनको लगता है कि अच्छा ये जो इसके साथ हो रहा है ना बड़े वाले के साथ, ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए, मैं तो और अच्छा बच्चा हूँ। अच्छा जी, ये बच्चों की बात हो गई, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो जरा मैरिजेस की भी बात करेंगे। हमारे यहाँ यानी आपके पास तमाम तर कवानीन मौजूद हैं, एहसन तरीके से अलहदगी का या तलाक का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन अगर कोई रिश्ता खत्म होता है, बेशक एक मंगनी खत्म होती है या एक शादी खत्म होती है, लोग उसकी उसको बहुत ज्यादा एक पर्सनल फेलियर के तौर पे लेते हैं। यकीनन आप एक पर्सनली उसमें इन्वॉल्व हैं, ये बहुत ही एक इंटीमेट रिलेशनशिप है, लेकिन इज एक शादी का टूट जाना क्या ये एक पर्सनल फेलियर है? इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मतलब उस पर थोप देना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो मामला है इसमें बहुत सारे फैक्टर आ सकते हैं। दूसरा शख्स अगर आपकी फितरत का नहीं है, आपके मिजाज का नहीं है, और आप बहुत कोशिश भी कर रहे हैं, दोनों साइड पर ये बात है, लड़के और लड़की दोनों साइड पर ये बात है, तो फिर उसको इतना ज्यादा लेबल कर देना और इतना ज्यादा विक्टिमाइज करना कि वो जो है वो परेशानी का शिकार हो जाए, वो नफसियाती मसाइल का शिकार हो जाए और वो इसी बात में गुम होकर रह जाए कि मैं तो इस रिलेशन के लिए बना नहीं हूं, वो फिर अगले आइंदा आने वाले किसी रिलेशन में भी अपने आप को फिट महसूस नहीं करता। बेशक ये नाकामी है, लेकिन इसको इतना ज्यादा विक्टिमाइज नहीं किया जाना चाहिए कि वो आइंदा आने वाले दिनों में अपनी जिंदगी में जितने भी दीगर लोग होंगे, एक हो दो हो या बाकी जितने भी पार्टनर्स होंगे, वो उनके साथ अपने आप को इस तरह से फील करेगा कि मैं पहले नाकाम हुआ था, अब मुझे इस मामले में या इस रिलेशन में भी बात करते हुए एहतियात करनी। बिल्कुल सही। अच्छा, और ये नाकामी का खास तौर पे शादी की नाकामी का खौफ इतना बढ़ा दिया गया गजाला जी के बहुत सारे एडल्ट शादी करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि यार एक परफेक्ट मैरिज तो हो ही नहीं सकती, और अपने आप को डाउट करने लगते, वही बात की नाकामी के खौफ से अगला स्टेप ही नहीं ले पा रहे होते। खवातीन को ज्यादा इस बात में मेरे ख्याल में लेबल किया जाता है कि अगर उनकी शादी टूट गई, खत्म हो गई, तो इसका मतलब है उनका मिजाज सही नहीं है या उनमें ये सलाहियत नहीं है कि वो पार्टनरशिप को चला सकें। क्या कहेंगी इस बारे में? सिद्रा, हमारे यहाँ ट्रेजेडी ये है कि हमारी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे इवन क्लॉज जो निकाहनामे में होते हैं वो तक लड़की को नहीं बताए जाते कि उसके क्या क्या राइट्स हैं, बेसिक राइट्स ही नहीं पता लड़कियों को। और मैं ये कहना चाहूंगी कि चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, दोनों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बैठ के पहले से डिस्कशन करनी चाहिए, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। देखिए, इमोशन टेम्परेरी भी हो सकते हैं, इन्फैचुएशन भी हो सकती है, प्यार अपनी जगह, लेकिन प्यार के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रस्ट है। अगर देखिए, अगर आप बहुत सारी चीजें जो पहले से आप झूठ बोलते हैं या ऐसी मिसकम्युनिकेशन होती है जो बाद में उस मैरिज में आके पता चलती हैं, तो और वो दोनों के लिए डिस्कम्फर्ट होता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं किसी एक पार्टी को ब्लेम करूंगी कि मर्द खराब होते हैं या औरतें, समटाइम्स मिसकम्युनिकेशन की वजह से इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि फिर उनका सेपरेट होना ज्यादा बेहतर होता है, बजाय इसके कि वो बच्चे पैदा करें, फिर एक नई जनरेशन को ट्रॉमाटाइज करके फिर कुछ और प्रॉब्लम्स क्रिएट करके, क्योंकि वो एक बच्चा नहीं होता, वो भी एक अलग खानदान है। गजाला जी, आप क्योंकि यू वर्क ऑन स्पिरिचुअलिटी एंड माइंडफुलनेस एज वेल, मुझे बताइए कि एक शादी की नाकामी या जिंदगी की कोई भी नाकामी अपने बारे में क्या आगही इंसान को देती, कैसे सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है हमारी? देखिए, पहली चीज तो ये कि आपको सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से निकलना आना चाहिए। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत डराते हैं आपको, आपको लगता है एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहकर अपने आप को डैमेज करना, बच्चों को डैमेज करना, पूरी फैमिली को डैमेज करना, उससे बेहतर है आप एक बोल्ड डिसीजन लें, और वो कभी कभी आपके अगेंस्ट जाता है। कभी कभी आप फ्रीक्वेंसी ऐसे लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे होते हैं जो दूसरे इंसान को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते। बहुत सारी खवातीन मेरे पास जो सीनियर सिटीजन है वो आई हैं, उनको कैंसर हुए, ठीक है। आप यकीन करें, उन्होंने जो यंग मदर्स हैं उनको बिठा के ये बात की कि बहुत सारी गलतियां जो तुम लोग कर रहे हो हम करते थे, और आज हमारा हाल देख लो ये हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, वो जो एक जुमला कहा जाता था ना, इस घर से अब तुम्हारा जनाजा निकले, वाकई जनाजा ही निकलता था। हाँ। उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में मर जाती थी। लेकिन एक चीज यहां समझना जरूरी है कि हमारे दीन ने भी खुला का हक औरत को क्यों दिया, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो इतनी अब्यूसिव रिलेशनशिप में होती है और बंदा उसको छोड़ भी नहीं रहा होता, तो फिर वहां वो अपना ये राइट इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन मुझे बताएं कि एक किसी भी रिश्ते में या लाइफ की किसी सिचुएशन में नाकाम होने के बाद बाय डिफॉल्ट तो ग्रीफ आएगी ना, यानी आपने जो भी अपने लिए ख्वाब देखा था, जो भी एक आइडियलिस्टिक फैंटेसी बनाई थी डॉक्टर सना, वो पूरी नहीं हुई, तो जैसे ही पहले अपने आप को उस नाकामी के गम से कैसे निकाला जाए? जी सना, इस सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज मैं थोड़ी सी मेंशन करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ
अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में जो चीजों की या कॉन्सेप्ट्स की जो डेफिनेशन है वो बहुत मेनी ऑफ द टाइम्स मोस्टली मिसडिफाइंड है. ये जो हम कामयाबी नाकामी इनकी डेफिनेशन जो हम ले के बड़े हुए होते हैं उसकी वजह से हम कामयाबी के चक्कर में हम अपने आप को पीस देते हैं. अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें मैरिजेस की बात करें तो हम अपने आप को ग्रीफ का टाइम नहीं देते. हम पहली बात तो ये कि हम कुछ लूज करना ही नहीं चाहते. हमारे यहाँ सेल्फ वर्थ दोनों तरह के रिएक्शंस दे रहे होते हैं ना. हाँ. या तो हम कोई झटका हमें नाकामी का लगता है चीजें फेल हो गई चीजें टूट गई तो कुछ लोग होते हैं जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते और बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हैं. और दूसरे कुछ लोग होते हैं जो इतना अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हैं कि वो बगैर फील किए उससे निकलना चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं. दोनों सूरतों में एक चीज जो नाकामी का लेबल है ना और उसके साथ जो बाहर से आने वाली जो ह्यूमिलिएशन और बाहर से आने वाले जो लोगों के रिस्पॉन्सेज हैं जिसकी वजह से हमारी सेल्फ वर्थ एक कहीं खत्म ही हो जाती है. बिल्कुल हमारी सेल्फ वर्थ किन चीजों से अटैच की गई है. शादी कामयाब होगी तो आप एक अच्छी खातून हैं चाहे उसमें आप खत्म हो जाए. बिल्कुल सही है ना. आप शादी कामयाब होगी तो आप एक अच्छे पार्टनर हैं. अगर आपका कारोबार कामयाब है तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं. अगर आप अच्छे मार्क्स लेके आते हैं तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं. सदर नाकामी को रीडिफाइन कैसे किया जाए. एक तो नाकामी चले माशरा एक खास नजर से आपको देखेगा ना लेकिन कोई भी अगर मैंने इनिशिएटिव लिया मैं उसमें कामयाब नहीं हुई बल्कि बजाय अपने आप को नाकाम तसव्वुर करने के मैं ये कैसे अपनी माइंड को इस तरफ लेके आऊं कि ये एक एक्सपीरियंस था इससे मैंने कुछ सीखा है और अब मैं अपनी सीख को अपने तजुर्बे को ज्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सकूंगी. ये जो टर्न अराउंड लाना है ये बड़ा अहम है और इसके लिए क्या करना चाहिए आपके ख्याल में. ये सब हो रहा होता है हम नाकामी की तरफ जा रहे होते हैं किसी एक स्पेसिफिक सिनेरियो में तो हम उस स्पेसिफिक सिनेरियो को पूरे के पूरे मंजरनामे पर जो है हावी कर देते हैं. ये नहीं होना चाहिए ये नहीं करना चाहिए. अगर मैं अच्छा शौहर नहीं बन पा रहा तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ. दीगर शोबों में भी मैं नाकाम हो चुका हूँ. अगर मैं किसी जगह पर जॉब कर रहा था और उस जॉब में मैं फिट नहीं हूँ मिसफिट हूँ मैं वहां पर नाकाम हो रहा हूँ. नाकामी का लफ्ज़ नहीं होना चाहिए वैसे मैं उस अहल नहीं हुई है वो जॉब मेरे अहल नहीं है तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि मैं जिंदगी के दीगर शोबों में भी उतना ही नाकाम हूं या उतना ही कमजोर हूं. इसी तरह से पेरेंटिंग के मामले में भी अगर हम देखें कि अगर किसी एक बच्चे के साथ उतना ज्यादा मोहब्बत नहीं और दूसरे बच्चे के साथ ज्यादा मोहब्बत है तो इसका कतई मतलब ये नहीं ले लेना चाहिए कि एक बच्चे को मैं अगर तवज्जो ज्यादा नहीं दे पा रहा या मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा. हालांकि या सफदर इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि अगर आपके दो बच्चे हैं और एक से कोई गलती हो गई है माशरती तौर पे उसे चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है या सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया है. कई पेरेंट्स को मैंने देखा है कि वो इस चीज को एज एविडेंस लेते हैं अपनी पेरेंटिंग के फेलियर का कि इसका मतलब है मैं तो एक अच्छा पेरेंट हुई नहीं क्योंकि मेरा बच्चा एक गलत रास्ते की तरफ चला गया है. यकीनन आप जिम्मेदार होंगे आपने नजर भी रखनी है लेकिन ये आपका पर्सनल फेलियर तो नहीं है ना. बिल्कुल पर्सनल फेलियर नहीं है. इसी तरह से अगर जिंदगी के दीगर शोबों में भी देखा जाए तो उसको इतना हावी नहीं कर लेना चाहिए कि वो दूसरे हिस्सों पर भी असरअंदाज हो रहा हो. सबसे बड़ा मसला जो हमारे साथ हो रहा होता है हम नफ्सियाती तौर पर या शौरी तौर पर चीजों को सीख नहीं रहे होते और एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ मिला रहे. एब्सोल्युटली. अच्छा एक कॉलर भी साथ है. जी 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 सब कीजिएगा. एक नुक्ता उसके गिर्द अगर दायरा लगा दिया जाए तो 360 जागी बनते हैं. हमने मैथ में ये बात पढ़ी है. क्या बात है. 360 रास्ते हैं. एब्सोल्युटली. अब आप नीचे फिर आप एक कॉलम बनाए उसमें लिखे आप मुझे मिला क्या और रिटर्न और चेंज कहां से आ रहा है. अगर आपको लग रहा है कि कहीं इम्प्रूवमेंट हो रही है चेंज हो रहा है तो थोड़ा सा एक सेकंड चांस आप दे सकते हैं क्योंकि इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है. अगर आपको लग रहा है कि वहां जीरो है वहां पर इम्प्रूवमेंट नहीं है कुछ आपको रिटर्न नहीं मिल रहा तो यू शुड नॉट वेस्ट योर फर्दर टाइम टू इम्प्रूव और ब्रेक योर हेड के शायद ये चेंज हो जाएगा. ये आई थिंक वो मैं वो कोट जरूर करूंगी. जूलिया रॉबर्ट्स ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बैडली रेज्ड मैन. You need a partner, not a project. Absolutely. अच्छा ये हर प्रोजेक्ट और हर रिलेशनशिप पे ये अप्लाई करेगा. अगर आप बेशक कोई दोस्ती ले लें बिजनेस पार्टनरशिप ले लें बिल्कुल सही मशवरा गजाला ने दिया कि पहले आप एक लिस्ट बनाइए उन चीजों की जो आप कर रहे हैं जो आपको रिटर्न मिला है पैटर्न आपके सामने आ जाएगा. अगर तो आपको गुंजाइश नजर आती है कि हाँ जी ये चीजें इम्प्रूव हो सकती हैं देन कंटिन्यू इन्वेस्टिंग. लेकिन
यू हैव टू स्टिल चेंज द फार्मूला. द सेम फार्मूला विल कंटिन्यू गिविंग यू द सेम रिजल्ट्स. तो अगर आपको मुख्तलिफ रिजल्ट्स चाहिए, अगर आपको कामयाबी वाले रिजल्ट्स चाहिए, तो फार्मूला तो बदलना पड़ेगा. फार्मूला कैसे बदलते हैं इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद. जनाब वेलकम बैक. इफ यू आर गोइंग टू कंटिन्यू अप्लाइंग द सेम फार्मूला तो वही रिजल्ट आएगा जो आपको मिल रहा है. अगर आपको रिजल्ट्स बदलने हैं, अगर आपने बहुत दफा फेलियर्स एंड पैटर्न्स, आपको लगता है कि नए नए तरीके, नए नए लोग आ रहे हैं लेकिन स्टोरी नहीं बदल रही, तो फिर अपने फार्मूला को कैसे बदलें ताकि आप अपने फेलियर को कामयाबी में तब्दील कर सकें. इस बात को शुरू करने से पहले एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनकी बात सुन लेते हैं. हेलो अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप सुधरा? जी बिल्कुल ठीक ठाक. कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं आमना बात कर रही हूँ कराची से. जी आमना जी, तो मेरा बेसिकली एक क्वेश्चन है कि आप जिस तरह की बात कर रही हैं, अभी डिस्कशन जो चल रही है कि योर विंस, योर सक्सेस ब्रिंग्स यू फॉरवर्ड एंड दैट शुड बी सेलिब्रेटेड, बट आप थोड़ा इस पे बात कर सकते हैं कि हाउ योर लॉसेस शुड बी द रियल push forward, it should be your encouragement and motivation. Absolutely. We are down to that part of our conversation only. Okay, how do you turn your failure into your inspiration, and more importantly, what do you learn from your failure to turn it into a success formula, and what needs to change? So thank you very much for that. Sadar, aap se guftugu shuru karte hain. Mujhe batayein ki agar aap 7 saalon se ek hi tarike kar apnaye hue hain and you are feeling ke cheeze badal nahi rahi hain, karobar mein tabdili nahi aa rahi, rishton mein tabdili nahi aa rahi, aur isko ek kamyabi ki daleel nahi samjha ja सकता, तो फिर अपने फॉर्मूला को कैसे बदलें? हदीसे मुबारका है कि मोमिन को फरासत से काम लेना चाहिए. ये जो है कि हम अगर एक ही पैटर्न पे चलते रहते हैं तो एक पैटर्न पर तो नहीं चलना. बुनियादी तौर पर हमें वक्तन फवक्तन सीखना है चीजों को. और जिस तरह से पहले ब्रेक पे जाने से पहले कॉलम बनाने की बात हो रही थी, तो क्या आप ये चेक कर लें कि आपने क्या किया, आपको क्या मिला, और उसके बाद तीसरा कॉलम? तो पहले तो हमें ये कॉलम बनाना सीखना पड़ेंगे, उसके बाद हम कॉलम बना सकेंगे. जहां तक है कि हम नाकामी को किस तरह से कामयाबी में बदल सकते हैं और उसे क्या सीख सकते हैं, तो सीखना तो बहुत आसान है अगर हम सीखना चाहें तो. बुनियादी तौर पर हमने सीखने के दरवाजे ही अपने ऊपर बंद किए होते हैं, और जब हम सीखने का दरवाजा बंद कर देते हैं तो चाहे कोई भी आकर खटखटाता रहे, फरिश्ते भी आकर आपको समझाने लग जाएंगे, तो आप नहीं समझ सकेंगे. उसकी बुनियादी वजह ये कि आप खुद ही नहीं समझना चाहते. आपको ये लगने लग जाता है, अगर एक रिलेशन नाकाम होने लगता है तो आपको लगने लग जाता है कि इसने तो नाकाम होना ही होना था. अच्छा, और कभी कभी आप फ्लिप साइड पे भी चले जाते हैं. मिसाल के तौर पे आपका एक रिश्ता नाकाम हुआ है और उस रिश्ते में आप बहुत सिंसेयर थे, आप बहुत लविंग थे, बहुत केयरिंग थे, और यकीनन अगले बंदे ने अगर आपको रिजेक्ट किया तो आपको बहुत तकलीफ हुई है. अब आप अगले मूविंग फॉरवर्ड यू कैरी अ लॉट ऑफ बैगेज. गजाला जी, कई दफा द बैगेज बिकम्स द रीजन फॉर फेलियर द सेकेंड टाइम. यानी आपने इतना सख्त फैसला कर लिया कि यार पहले मैं बहुत केयरिंग होता था, अब मैं कभी केयर नहीं करूंगा, अब मैं भी बदतमीज हो जाऊंगा, अब मैं भी थोड़ा डिस्टेंस रखूंगा, एंड प्रोबेबली द नेक्स्ट टाइम यू मीट समबडी यू एंड अप हर्टिंग. तो हम कैसे इस बात का अंदाजा लगाएं कि हम जो हमने फैसले किए हैं वो हम अपनी गलतियां नहीं दोहराना चाहते, ये फैसला तो दुरुस्त है, लेकिन हम मजीद गलती कर रहे हैं और हमने गलत फैसला ले लिया है, इस बात की तफरीक कैसे करें? सिद्रा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि मोस्टली जो सेकंड मैरिजेज हैं वो इसीलिए फेल होती हैं क्योंकि आप प्रीवियस जो अपने एक्सपीरियंस होता है वो ही अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. जब आप एक माँ बाप की औलाद होकर, एक बहन भाई एक जैसे नहीं है, तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान, डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से कैसे एक जैसे हो सकते हैं? तो पहली चीज तो ये कि यू नीड टू हील योर सेल्फ. पहला जो आपका प्रॉब्लम हुआ, आप पेन से गुजरे, आपको तकलीफ हुई, सबसे पहले आप अपने आप पे काम करें कि आप कहाँ कहाँ गलत थे, आपने क्या गलतियां की, आपने उससे सीखा क्या, और अपने आप को उस पोजीशन पे लाएं पहले कि जब आपको हर चीज क्लियर नजर आए. क्योंकि फिर आप भी तो वो गलतियां नहीं करेंगे जो आपने पहले रिलेशनशिप में की, कहीं ना कहीं तो आप भी गलत थे. तो आपने सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है, वरना क्या होगा, आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर हो जाएगा. कि आप एक रिश्ते को, उस एक दर्द से निकलने के लिए आपने दूसरा दर्द अपने गले डाल लिया. तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करें, और फिर दूसरे रिलेशनशिप में आपने जब बैठना है तो आपने ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है, आपने ये चीजें डिस्कस करनी है, ताकि आप, यू डोंट हैव टू टेक अ बैगेज फ्रॉम योर प्रीवियस रिलेशनशिप. कहते हैं ना, नेवर टेक अ ब्रोकन पीसेस ऑफ योर पास्ट इन टू योर प्रेजेंट. एब्सोल्युटली. वरना वो जो सामने वाला जो आपसे एक नया रिश्ता जोड़ने जा रहा है, उसको एग्जैक्टली पता होना चाहिए एक एक वो बात कि जो आपकी प्रीवियस मैरिज में कहीं ना कहीं, या जब भी आपका ट्रिगर आए तो आप एक ओपन कम्युनिकेशन से उसको डिस्कस कर सके. बिल्कुल. यार ये देखो, ये मुझे पुरानी उस तकलीफ की याद दिलाती है. बिल्कुल.
तो आप यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट. किसी भी रिलेशनशिप की बुनियाद अगर सच्चाई पे रखी जाएगी ना, आप यकीन करें ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि सच्चाई अपनी जगह खुद बना लेती है. अच्छा, लेकिन आपने क्योंकि हीलिंग का यहाँ पे जिक्र किया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर सना. कई दफा जब पहले फेलियर के बाद इंसान इतना घबरा जाता है, इट्स एग्जैक्टली लाइक के पहली दफा आप गाड़ी ड्राइव करने निकले हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट थे अपनी ड्राइविंग के ऊपर, लेकिन आपका एक्सीडेंट हो जाता है. उस नाकामी, उस फेलियर, उस एक्सीडेंट के बाद आप दोबारा गाड़ी में भी बैठने से घबरा रहे हैं. तो ये जो गजाला ने यहाँ पे जिक्र किया कि पहले अपने आप को हील करें, इस हीलिंग के क्या स्टेप्स हो सकते हैं? इस हीलिंग के सबसे पहले जो स्टेप है वो ये है कि हम नाकामी को अपनी जिंदगी का हिस्सा समझें, हम उसको बुरा ना समझें. ओके. वो जो बुरा समझने वाला चक्कर है उसकी वजह से हम आगे हीलिंग के प्रोसेस को वहीं पे रोक देते हैं. हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट ही होता है वहां से जहां से आप उस चीज को एटलीस्ट एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ, फेल होना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट द होल लाइफ. यस. सो जब आप वहां से स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल लुक फॉर द वेज टू गेट योर सेल्फ हील्ड. बास चीजें होती हैं जो हम खुद से अपनी कोपिंग्स बना लेते हैं और फिर हम हील कर लेते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा जो सोशल सर्कल होता है या सोशल सपोर्ट होती है वो इतनी काफी नहीं होती कि वो हमें हील करने में हेल्प कर सके. सो यू हैव टू सीक आउट पीपल. यस, दैट्स व्हेन यू कैन सीक आउट अ काउंसलर और अ कोच. यस, एंड दैट्स व्हेन यू नो कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो इतने इमोशनली सपोर्टिव नहीं है, इमोशनली सेफ एनवायरमेंट नहीं है आपके लिए, तो फिर आप जो है वो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प ले लेनी चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है. और डॉक्टर सना, ये मेरे ख्याल में सबसे अहम पॉइंट है, बिकॉज अगर आपने फेलियर को कामयाबी में बदलना है, नाकामी को कामयाबी में बदलना है, तो सबसे पहले द शिफ्ट हैज टू हैपन इन योर माइंड. आपको अपना पर्सपेक्टिव बदलना पड़ेगा, अपने जज्बात को, अपने एहसास को प्रोसेस करना पड़ेगा. और उसके लिए आपने बिल्कुल सही कहा, या तो हमारे इर्द गिर्द हमारे दोस्त, हमारी फैमिली मौजूद होती है करने के लिए, और अगर नहीं है तो आपकी हीलिंग आपकी अपनी जिम्मेदारी है. उसके लिए सीक आउट अ प्रोफेशनल. आपके पास फ्री रिसोर्सेज भी ऑनलाइन मौजूद हैं, खुद उसके ऊपर रीड अप कर सकते हैं. अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत है. बहुत बहुत शुक्रिया गजाला जी, डॉक्टर सना और सफदर हमारे साथ मौजूद थे. आई होप दैट दीज टिप्स आर हेल्पफुल. अगर आप इस वक्त किसी ऐसे जिंदगी के मोड़ पे हैं जहां आप अपने आप को नाकाम महसूस कर रहे हैं, तो याद रखिए कि नाकामी परमानेंट नहीं है. अगर आप जहां पे मौजूद है, नथिंग इन लाइफ इज अ कॉन्स्टेंट एंड परमानेंट. यू कैन टर्न द शिप अराउंड इररिस्पेक्टिव के जिंदगी का कौन सा मोड है, आपकी उम्र क्या है, आपके पास पैसे हैं या नहीं. आपकी स्टोरी बदल सकती है एज लॉन्ग एज यू आर कमिटेड टू इट. इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी. खुदा हाफिज़.